बात ऐसी है कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह से खोलना चाहिए। न्यू बॉम्बे में 60-65% लोग स्लम और मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। परसों मैंने एक फैमिली को राशन दिलवाया, उसकी हालत ऐसी है, गुड़ और पानी में दो दिन से जी रहे थे, सिर्फ गुड़ और पानी खा के जी रहे थे। तो हालत बहुत बुरी होती जा रही है और हर एक आदमी को अभी समझने लगा है कि कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए हमको खुद को क्या करना चाहिए। ऐसा हर आदमी अभी समझ चुका है। अभी आदमी लोग को बाहर निकलने दो, उनको काम करने दो, उनकी फैमिली के लिए कुछ कमा के लाने दो, नहीं तो ये आने वाले दिन में इतना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है कि लोग ना किसका सुनेंगे, ना पुलिस का सुनेंगे, ना गवर्नमेंट का सुनेंगे, लोग अपना अपना काम करते रहेंगे। उससे अच्छा ये लॉकडाउन खोले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई है। हम आज पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में देखते हैं तो बुरी तरह लोगों के हाल है। बीमारी से कुछ और प्रॉब्लम आता है तो वो पैसा जाता है, फिर खाने को कुछ नहीं, वो पैसा कुछ से मिलता नहीं है। अभी जो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने अभी पगार देना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी खुद भी प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो जब जो काम में आएगा, उस काम पे आएगा, उसको ही पगार मिलेगा, उसको ही पेमेंट मिलेगा, ऐसी हालत हो गई है। और छोटे छोटे व्यापारी है, उनकी भी हालत बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई है, उनको भी अभी चालू करना ही। मैंने परसों एक मुलाकात सुनी व्यापारी संगठन के अध्यक्ष की, उसने साफ आह्वान किया है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो हम लोग दुकानें सब खोलेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, किसका सुनेंगे नहीं, हम दुकान ही खोल के रहेंगे। ऐसे बातें अभी शुरू हो गई है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को भी और महानगर पालिका कमिश्नर को भी, कि आप पूरी तरह लॉकडाउन खुला कीजिए, लोगों को अपना अपना काम कीजिए। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।